सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं ये स्पेशल कार्यक्रम। शुरुआत करते खबरों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करने वाली हैं। निर्मला सीतारमण ये चौथा बजट पेश करने वाली हैं। ये बजट कोरोना महामारी की तीसरी लहर के प्रकोप के बीच आ रहा है, इस कारण बजट के खास होने की उम्मीद भी की जा रही है। स्थापित परंपराओं के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को सबसे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्रीय बजट में किसी भी बदलाव को सुझाव नहीं देता है। और लेकिन आधिकारिक तौर पर संसद में बजट सत्र पेश करने से पहले वित्त मंत्री को राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति से मिलने के बाद सीतारमण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले कैबिनेट से मिलना है और कैबिनेट के बजट के बारे में भी जानकारी देनी है। तो कैबिनेट को बजट की जानकारी देंगी निर्मला सीतारमण, उससे पहले राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। बजट का सत्र का आज दूसरा दिन है और काफी अहम माना जा रहा है ये बजट, क्योंकि मोदी कार्यकाल का ये दसवां बजट है, यानी कि इस दूसरे कार्यकाल का पांचवा बजट। तो दसवां बजट पेश हो रहा है ये, और बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और काफी अहम माना जा रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से ये बजट सामने आ रहा है, आज दूसरा दिन है सत्र का, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? तब से ये दसवां बजट है, और वहीं अगर बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये चौथा बजट है। खास बात की अगर बात करें तो इस बार का बजट पेपरलेस होगा और पूरे जो कागजात होते हैं वो डिजिटली रूप से टैब से, जो भी लोग होते हैं टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से, डिजिटल माध्यमों से सबके पास पहुंचाए जाएंगे। वही बात करें तो पिछली बार भी डिजिटल बजट पास हुआ था। वही अगर देखे तो मैं जो निर्मला सीतारमण है वो 10 बजे के करीब राष्ट्रपति को बजट की कॉपी भेज कर उनको देकर उनसे अनुमति लेने के बाद अभी जो कैबिनेट की बैठक है वो चल रही है। कैबिनेट बैठक की मंजूरी के बाद ही 11 बजे बजट पेश होने की बात कही जा रही है। वहीं अगर देखें तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत रेलवे मिनिस्टर, आपके तमाम ऐसे मंत्रिमंडल के लोग इस बैठक में मौजूद है और 11 बजे बजट पेश होगा। जी शिखा। विभांशु, जिस तरह से ये दसवां बजट आ रहा है तो इसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? जिस तरह से कोरोना काल है तो क्या स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए भी कुछ इसमें बदलाव देखने को मिलेंगे? जी, अगर बात करें तो जो लोग है, जो जनता है, उनकी खास तरह से उम्मीद है इस बजट से, क्योंकि ये बजट काफी आम माना जा रहा है और 5 राज्यों में चुनाव है, तो जो अटकलें लगाई गई है राजनीतिक विशेषज्ञ है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये बजट जो 5 राज्यों में चुनाव है उसको लुभाने हेतु भी हो सकती है। और साथ ही साथ जो अभी बजट पेश होने के ठीक पहले जो शेयर मार्केट, उसमें काफी उछाल आ गया है। सेंसेक्स 600 अंक के साथ अपने ऊपरी पहुंच चुका है, वही निफ्टी 160 अंकों के साथ उछाल पे है। वही अगर बात करें बजट की तो इस बार का बजट किसान और किसानों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के जो हेल्थ सेक्टर है उनके क्षेत्र में अहम होने वाला है। वही अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है। अगर बात करें हरियाणा और उत्तर प्रदेश पंजाब की तो खासकर यहाँ किसान भारी संख्या में पाए जाते हैं, जो बड़े किसान है, तो अगर देख सकते हैं किसानों के लिए उनकी योजनाएं में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है जो उनके लिए कारगर हो। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इस बार जो मोनोसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है, उस पर जो टैक्सेस लगते हैं उस टैक्सों में कुछ छूट मिल सकती है। वही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो कि 2000 रुपए की 3 किस्त आती थी, टोटल 6000 रुपए, उसमें 1000 की बढ़ोतरी करके उसमें 2 की जगह 3000 दिए जाएंगे, तो टोटल साल भर में 9000 दिए जा सकते हैं। वही अगर बात करें तो घरेलू गैस की जो कीमतें बढ़ के, जो कमर्शियल या घरेलू गैस हो उसकी कीमतों में भारी उछाल आया था, तो उसमें कुछ घटने की जो प्राइस है, जो रेट है, उसमें घटने की आशंका लगाई जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में किसानों को लाभ मिल सकता है इस बजट से, किसानों को लुभाने की कोशिश है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पश्चिमी यूपी पर निशाना साधा जा सकता है।
जी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। सबसे ज्यादा अगर गन्ना पूरे देश के अंदर में कहीं होता है तो उत्तर प्रदेश से होता है। वहीं पंजाब में भी चुनाव है तो पंजाब के अंदर में गेहूं, ज्वार और मक्का की खेती सबसे ज्यादा होती है। तो किसानों को लुभाने के लिए उनके खेतों में पड़ने वाले खाद और तमाम ऐसी चीजों को इससे टैक्स की छूट मिलेगी। साथ ही साथ उन्हें किसान सम्मान निधि से नवाजने के लिए 1000 बढ़ाया जा रहा है। तो 700 रुपए हम कह सकते हैं कि किसानों को ये बजट थोड़ा किसानों के लिए बेहतर होगा। वहीं अगर बात करें तो खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान काफी नाखुश है और आप देख सकती हैं कि अभी चुनावी मौसम है और तमाम दल ऐसे कई सारे किसानों के लिए जो स्कीम है जो मैनिफेस्टो के अंदर में उनके लिए काम बताया जा रहा है। तो इन सब चीजों का तोड़ निकालने के लिए इस बार का जो बजट होगा उसमें किसानों के लिए कुछ विशेष पैकेज का भी प्रावधान किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें तो किसानों के लिए जो ऐसी किट होती है जो उनको बांटे जाते हैं कृषि विभाग राज्य के अंदर में कृषि विभाग के द्वारा, तो इन सब चीजों में कुछ छूट देखने को मिल सकता है। विभांशु अगर बात करें रक्षा क्षेत्र में तो इसके लिए काफी अहम होता है हर एक बजट, क्योंकि सबसे ज्यादा जोर देश की सुरक्षा के लिए ही दिया जाता है हर एक बजट में। तो इस बार क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा रक्षा क्षेत्र में? जी अगर बात करें तो रक्षा सौदा देखने को मिल सकता है। इस बार का बजट जो 3 बजे बजट पेश होने के बाद 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसमें साफ हो जाएगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी चीजें आ जाएंगी। मगर अटकलें लगाई जा रही है, उम्मीद लगाई जा रही है कि रक्षा के क्षेत्र में सेना के अधिकारियों के लिए जो उनके वस्त्र होते हैं या उनके वेपन होते हैं जो उनके हथियार होते हैं उसमें कुछ रक्षा सौदा देखने को मिल सकता है, या ऐसा कुछ बजट अलॉट किया जाए विशेष जिससे सेना के लोग के लिए लाभ हो सके। और साथ ही साथ अगर बात करें तो शिक्षा, चिकित्सा और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भी काम किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें तो वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अभिभाषण भी संसद भवन के अंदर शुरू हो चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो सीधे तौर पर हर एक क्षेत्र के लिए ये बजट काफी अहम है, क्योंकि ये एक तरफ तो मोदी सरकार का 10वां बजट है और दूसरी चीज ये है कि आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और 5 राज्यों में चुनाव भी है। तो इसको देखते हुए भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कई जो बजट में बदलाव किए गए हैं वो 5 राज्यों में चुनाव को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, ताकि सरकार की ओर जनता का ध्यान केंद्रित किया जा सके, जनता को लाभ पहुंचाया जा सके, जिसका सीधा असर चुनावों पे हो सके। रुक करते अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव करीब 12 बजे रायबरेली पहुंचेंगी, जहां सबसे पहले वो रायबरेली की सदर विधानसभा के मंडल अमावा में मतदाता बैठक में शामिल होंगी। ये कार्यक्रम मिल एरिया थाना क्षेत्र के डिघिया चौराहे के पास होगा, यहीं वो भोजन भी करेंगी। इसके बाद अपर्णा राही मंडल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगी। यहाँ थाना गुरुबख्श अंतर्गत सालारपुर में युवाओं के साथ बैठक करेंगी। तो 5 चुनावी कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे अपर्णा यादव। इंदिरा की कर्मभूमि जाएंगी अपर्णा, तो काफी अहम होने वाली है ये आज की चुनावी यात्रा अपर्णा की, क्योंकि इंदिरा की कर्मभूमि पे जा रही हैं और बीजेपी की तरफ से जा रही हैं। तो ये काफी अहम है क्योंकि अपर्णा जिस परिवार से आती हैं वो एक राजनीतिक परिवार है, यानी कि सपा परिवार से आती हैं और उन्होंने बीजेपी का दामन थामा हुआ है। तो काफी अहम है जब वो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगी, तो देखने वाला नजारा तो ये भी रहेगा कि आखिर उनको किस लिए, या तो बीजेपी की वजह से उनको समर्थन मिल रहा है या फिर जो है सपा की बहू होने की वजह से समर्थन मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव करीब 12 बजे रायबरेली पहुंचेंगी, वहां पे चुनावी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। सबसे पहले वो रायबरेली की सदर विधानसभा से मंडल अमावा में मतदाता बैठक में शामिल होंगी और कार्यक्रम मिल एरिया में थाना क्षेत्र के डिघिया चौराहे के पास है और यही वहां भोजन भी करेंगी अपर्णा, और अपर्णा राही मंडल में आयोजित कार्यक्रम में भी पहुंचेंगी। कुल मिला के 5 कार्यक्रम ऐसे चुनावी कार्यक्रम जिसमें अपर्णा शिरकत करेंगी, और अपना चुनावी कार्यक्रम उन्होंने तेज कर दिया है। जब से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है तो उन्होंने तब से ही अपने काम में तेजी ले आई है।
इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रायबरेली से जुड़ चुके हैं ओम शंकर। ओम शंकर, क्या कुछ जानकारी है, आज कहां कहां पे कार्यक्रम संभावित है अपर्णा के? जी हाँ, कहीं ना कहीं जो है समाजवादी परिवार की बहू जो अपर्णा यादव रायबरेली आ रही है, वो आज दो दिवसीय दौरे पर है, लेकिन जो है आज पूरे दिन का कार्यक्रम जो है वो रायबरेली जनपद की सदर विधानसभा में ही है, क्योंकि ये सीट एक तरह से देखा जाए तो यादव बाहुल एरिया माना जाता है और कहीं ना कहीं यादव मत के ध्रुवीकरण के लिए ही अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली में भेजा है। जी, तो क्या इससे पहले भी अपर्णा रायबरेली आ चुकी है चुनाव प्रचार के लिए? जी नहीं, रायबरेली उनका ये पहला आगमन है, वो बगल के जनपद अमेठी में तिलोई गई थी, लेकिन रायबरेली जनपद में उनका ये पहला जो है वो चुनावी प्रचार के उद्देश्य से आ रही, कहीं ना कहीं अदिति सिंह की करीबी मित्र होने के कारण भी माना जाए। और यहाँ पर जो है 60 से 65 हजार यादव मतदाता है, जो कहीं ना कहीं राय एक बहुत बड़े सदर विधानसभा जो वोट बैंक को प्रभावित भी करता है। जी, अगर बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली की मतलब राजनीति में क्या देखने को मिलता है, इसमें किसका दबदबा सबसे ज्यादा रहा है और अपर्णा के आने से क्या कुछ देखने को मिल सकता है? जी, कहीं ना कहीं जो है अदिति सिंह के जो पिताजी थे स्वर्गीय अखिलेश सिंह, उनका एक राजनीतिक दबदबा रहा है, लेकिन जो है उनके न रहने पर और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से कहीं ना कहीं मुस्लिम बैंक उनसे छिटकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यादव मुस्लिम और ब्राह्मण यही यहाँ पर एक बाहुल क्षेत्र है, लेकिन यादव मतदाता को रिझाने के लिए जो है पल्ला यादव को बीजेपी आला कमाल ने जो है रायबरेली की सदर विधानसभा में आज पूरे दिन 5 से 6 उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, और कितने बजे से कितने बजे तक कार्यक्रम रहेगा अपर्णा यादव का, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी हाँ, वो 12 बजे रायबरेली आएगी, सबसे पहले डिगिया जाएंगी जो एक राही ब्लॉक का गांव पड़ता है, उसके बाद जो है वो शहर के विभिन्न मोहल्लों में तिलक नगर है, इंदिरा नगर है और जो है गरीबा चौराहे पर जो है वो एक संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़े थे रायबरेली से। तो इंदिरा की कर्मभूमि जाएंगे अपर्णा यादव और चुनावी प्रचार करेंगे, 5 चुनावी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। जिस तरह से यादव परिवार से आती हैं अपर्णा, तो यादव वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी की तरफ से उन्हें उतारा गया रायबरेली में, और जिस तरह से बाकी के वोटर्स हैं उनका समर्थन तो कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यादव वोट जो कि सपा की तरफ जाते हुए हमेशा नजर आते हैं, उसको साधने की भी एक कोशिश मानी जा सकती है। पूरे उत्तर भारत में अभी तक ठंड खत्म नहीं हुई है, जबकि सर्दी के ठिठुरन के बीच लोग घने कोहरे से भी परेशान हैं। वहीं यूपी बिहार में आज सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा, ठंड होने की वजह से लोगों पर दोहरी मार पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जबकि कई जगह पर विजिबिलिटी जिसके चलते 10 से 25 मीटर तक पहुंच गई है। वहीं लोग घरों में दुबक कर बैठने को मजबूर हैं। तो कोहरा देखने को मिल रहा है अभी भी कई जगह पे, और ठंड लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और पारा गिरता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ जिस तरह से विजिबिलिटी कम हो गई है कोहरे की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 10 से 25 मीटर के बीच पहुंच गई विजिबिलिटी। बात करें पहाड़ी इलाकों की, तो पहाड़ी इलाकों पे जो बर्फबारी हुई है उसका असर अभी तक देखने को मिल रहा है, और ठंड मैदानी इलाकों में अपना कहर बरपा रही है। तो वहीं मैदानी इलाकों में कहीं कहीं पे बारिश होने की वजह से भी ठंड से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। कहीं कहीं पे धूप निकल रही है, लेकिन सुबह और शाम में काफी ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरह से ठंड अपना कहर बरपा रही है, धूप तो निकल रही है लेकिन अभी भी लोगों को ठंड से राहत नहीं है, क्या कहेंगे? जिशिका, देखिए आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया हुआ था, जिसके चलते जो विजिबिलिटी, दो दिनों में हमें सूर्यदेव के दर्शन जरूर हो रहे थे, और अभी इस वक्त तकरीबन 11 बजे का वक्त है और जो सूर्य है वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, पर अभी जो कहीं ना कहीं धुंध है वो अभी भी बरकरार है, और जो ठंड का जो सितम है वो अभी भी कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों पे, खासकर जो लखनऊ और इसके आसपास के जो जिले हैं, बाराबंकी, कानपुर, उन्नाव समेत जो अन्य आसपास के जिले हैं, यहाँ पे ठंड की जो कहर है वो अभी भी लगातार बरकरार है। सुधार
जी, और बात करें तापमान की तो कितना तापमान दर्ज किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में? जी शिखा, देखिए आपको बता दें कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो आज का अधिकतम पारा जाने का अनुमान है वो 22 डिग्री है, वहीं जो न्यूनतम पारा जाने का अनुमान है वो कहीं ना कहीं 9 डिग्री है, बरकरार है। और ये जो दिन का औसतन तापमान रहता है वो कहीं ना कहीं 12 से 13 डिग्री बना हुआ है लगातार, जो कि अभी भी काफी ठंड है। और इसके साथ ही आपको बता दें शिखा कि कहीं ना कहीं देश जो है वो इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। कोविड के जो केसेस हैं वो अभी भी 1,65,000 से अधिक है, और इसके चलते जो ठंड लगातार बरकरार है लोगों में, इसके चलते कहीं ना कहीं खांसी जुकाम जैसी बीमारियों से जो संक्रमण है वो होने की जो चांसेस है वो कई ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके चलते जो शरीर की इम्यूनिटी है वो वीक होने के चांसेस, और कहीं ना कहीं कोरोना ऐसे में जो है वो काफी घातक साबित हो सकता है। तो लोगों को अभी भी ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले कम से कम 3 से 4 दिन ऐसे जो ठंड है वो बरकरार रहेगी, वहीं कोहरा जो है वो सुबह के वक्त देखा जा सकता है। शिकार जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े थे। तो देश इस वक्त दोहरी मार तो झेल ही रहा है, और ठंड से भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां स्वास्थ्य पर भी ठंड सीधा असर डाल रही है, तो वहीं लोगों के आम जनजीवन पर भी ठंड काफी असर डालती हुई देखी जा सकती है। वहीं विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, जो यातायात है वो काफी सुस्त नजर आ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी है और लाइट जला के चलने को मजबूर है लोग। ठंड की वजह से लोग घर पे ही रहने को भी मजबूर नजर आ रहे हैं। बाजारों में लोग कम निकल रहे हैं, हालांकि कुछ जगह पे, कुछ जिलों में, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में धूप तो निकल रही है, लेकिन वो मौसम को और ठंडा कर दे रही है। सुबह और शाम में काफी ठंड महसूस करी जा रही है, हालांकि दिन के समय तापमान सामान्य रह रहा है। तो वही मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक ऐसी ही ठंड बनी रहेगी, और जो पहाड़ी क्षेत्रों पे बर्फबारी हुई है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। तो सर्दी के ठिठुरन और घने कोहरे की वजह से लोग परेशान है। यूपी बिहार में आज सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहा। अलग अलग जिलों में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से ठंड कहर बरपा रही है अलग अलग जिलों में अलग अलग तापमान देखने को मिल रहा है। तो कहीं बहुत ज्यादा तापमान लुढ़क गया है, तो वहीं कहीं सामान्य तापमान भी देखने को मिल रहा है। धूप की वजह से अब लोगों को राहत मिलती हुई भी नजर आ रही है, हालांकि कोहरा भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां देखने को मिल रही है। तो विजिबिलिटी भी काफी कम हो जा रही है, जिस तरह से धूप तो निकल रही है लेकिन शाम में ठंड ज्यादा हो जाती है, कोहरा देखने को मिलता है, और सुबह तक घना कोहरा रहता है। जो कोहरे की घनी चादर रहती है वो लोगों को काफी परेशान कर देती है। जो 10 से 25 मीटर तक पहुंच गई है विजिबिलिटी, यानी कि काफी लो हो गई है विजिबिलिटी, लोगों को धीमी रफ्तार में चलना पड़ रहा है। तो वहीं इसकी वजह से कहीं ना कहीं हादसे भी होते नजर आते हैं, और हादसों की खबर भी सामने आती है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और हादसों की भी ऐसी खबर आती रहती है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है और ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, और देश इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ कोरोना का संक्रमण है तो दूसरी तरफ ठंड का प्रकोप है। तो कोरोना के इस वक्त जो सिम्टम है वो काफी सामान्य हो गए हैं, सर्दी खांसी जुकाम, और ये सर्दी खांसी जुकाम का मुख्य कारण है ठंड, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। और
लोग इस हल्की सिम्टम की वजह से ये जान नहीं पा रहे हैं कि उनमें कोरोना के संक्रमण, हालांकि जो लोग जागरूक हैं वो लोग तो अपना जांच करवा रहे हैं और जांच करवाने के बाद अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं तो पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लापरवाही बरत रहे हैं और जो कोरोना के सही सिम्टम है उसकी जानकारी ना होने की वजह से वो कोरोना संक्रमण फैला भी रहे हैं। तो इस यही एक वजह भी है कि जो देश में इस वक्त कोरोना के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, तो ठंड भी कहीं ना कहीं ये कारण बन रही है, क्योंकि ठंड, लोग जो सर्दी जुकाम और खांसी होती है, हल्का बहुत बुखार होता है, तो कोरोना के कुछ इस वक्त जो लक्षण है वो भी ऐसे ही हैं और लोगों को लगता है कि ठंड की वजह से हमारी तबीयत खराब है, सीधा स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, तो मौसम भी कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहा है। और ठंड की वजह से ही लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और जिस तरह से कोरोना और ठंड कहर बरपा रहे हैं, तो वहीं नगर निगम भी अपना काम करने में कहीं ना कहीं लापरवाही दिखा रहा है। जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में ये देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर जगह पे अलाव और कंबल वितरण की व्यवस्था नहीं की गई है सही से, और अब तो ठंड कम होने की जहाँ बात कही जा रही है तो वहीं अभी भी ठंड देखने को मिल रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।